हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादानु गीत मारे गावो छे, दादानु गीत मारे गावो गीत छे, अमृत पावु छे, प्रेमनो प्रेम अमृत अमृत पावु छे, दादानु गीत मारे गावो छे, दादानु गीत मारे गावो छे। मने लागे श्रेया रिपीट करो। पाप भजन निरत मने लागी। श्रेया बेटा, तुम्हारो अवाज कट थाई छे। भक्ति रस माना पूछे, भक्ति भक्ति रस रस ना पूछे, पूछे, दादानु गीत मारे गा छे, दादानु दादानु गीत मारे गीत गाउ छे। करिश्मा लाउडर। भव सागर मा नैया मारी डोले, भव भव सागर नैया सागर मारी डोले, सामे किनारे मारे जाऊ छे, सामे सामे की किनारे छावू छे। मारे, दादानु गीत मारे गाऊ छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे। जीवन मारू बनियो अकारू, जीवन जीवन मारू बधियो कारू, मारू, दादा चरण मारे छे, दादा दादा चरण मारे, नु गीत मारे गावो छे, दादा नादानु गीत गाओ छे। तमारी आज्ञा मारीने, तमारी मारी आज्ञा मारी, ज्ञान तमारे पीवू छे, नादानु मारे पीओ छे। दादानु गीत मारे गा छे, नादानु गीत मारे गाओ छे। दादा वितरा गिनी दीक्षा पा, दादा वितरा गिनी दीक्षा दीक्षा, दादा जेवु मारे पान, छा, दादा दादा जेवु मारे मारे थाऊ छे। छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे, दादानु
प्रेमनु अमृत पावू छे દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ Okay, quickly let us do no color more. Okay, charisma number one. Dada, mujhe abhi no color nahi aati hai. To aapko bolte hai, kyun nahi aati hai abhi? Okay, Avyay. Okay, Shreya number one. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત માનો કિંચિત માત પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત માનો કિંચિત માત પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો જય સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ હી ટેક્સ ઈ બા નંબર 2 સાધુ દાદી કે આચરણનો અનવાદર બ્રહ્મ કરવાની પરમ શક્તિ આપો જય સચિદાનંદ તીર્થ નંબર 4 જય સચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય ન કરાવાય એ કરતા પ્રત્યેનો અનુમોદય એવી પરમ શક્તિ આપો શ્રીયા નંબર 5 જય સચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંતેલી ભાષા ન બોલાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો કોઈ કઠોર ભાષા તંતેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજ ભાષા બોલવાની શક્તિ આપો જય સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગણ ગમે તે લિંગધારી હોય તેના સંબંધે જે માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ને કરાય ને કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદે એવી પરમ શક્તિ આપો મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો જય સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્ત પણ ન કરાય એવી શક્તિ આપો સમરસથી ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો જય સચિદાનંદ ભગવાન મને કોઈ પણ નિર્ધારિત જીવાત્મા પ્રત્યે પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવન અગર મૃત્યુ પામેલા કોઈ ને કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે અનુમોદે એવી પરમ શક્તિ આપો વેરી ગુડ હે અવ્ય યુ ટુ સે ટ્વાઇસ અ ડે એવરી ડે ઓકે દિવ્યા નંબર 9 કલમ હે દાતા ફોર My ethic is boy and girl and it means boy and girl and it means boy and girl. Jai Satchidanand. Okay, my dada, 3 months of prayer, please. Namo Vitragai. Namo Vitragai.
नमो हरिहंताणम नमो सिद्धार्थम नमो आयरियारम नमो वज्जायानम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो तौपावपणासनो मंगलानां च सर्वेषि पड़वाम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद तीर्थ डेली प्रेयर तीर्थ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान मैं अपने हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और मेरा शरीर भी साधन मुझे मेरे देह को जाने के पढ़ाई में और सत्संग में मदद करो मैं पढ़ाई में बिल्कुल सीधा रहूंगा मैं पूरी सबक से कुसुम से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी सत्संग के और अन्य सभी लोगों के जीवन आहार में अपनी आत्मा का उपयोग केवल की जीव माधर की सेवा में करूँ जो सबसे बड़ा मानव धर्म है मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में शुद्ध नैतिक विश्वास में बना रहूँ ताकि मेरा शरीर मम्मी के साथ कैसा रहता है अभी के कितना बहुत झगड़ा होता है नहीं ओके हिताक्षी बा हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ आप ऐसी कृपा करेंगे जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो ऐसी परम शक्ति आप हमें दे जी सचिदान हे दिव्या हमने आपके हे दादा भगवान हे दादा भगवान हमने आपके बच्चे आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल के हैं सच्चे फिर भी है कच्चे फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे काम करेंगे अच्छे जय सच्चिदानंद गुजराती यस यस तमे गुजराती मां बोलता हो तो तमारे गुजराती मां बोलवानुं सच्चिदानंद हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान तमे जुदा छो श्रेया जुदी छे हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान तमे रियल छो श्रेया रिलेटिव छे हे शुद्ध आत्मा दादा भगवान तमे परमानेंट छो श्रेया टेम्पररी छे जय सच्चिदानंद दैट्स वेरी गुड ओके ओके तीर्थ
जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान हे शुद्धात्मा दादा भगवान तमे जुदा छो तीर्थ जुदो छे हे शुद्धात्मा दादा भगवान तमे रियल छो तीर्थ रिलेटिव छे हे शुद्धात्मा दादा भगवान तमे परमानंद छो तीर्थ टेम्पररी छे जय सच्चिदानंद ओके वेरी गुड ओके ओके किसको मालूम है होमवर्क पटेल अनन्या किसको मालूम है होमवर्क क्या करने का था और अभी आपको मालूम है आपको लिखने का था बोलो आपका वॉइस कट होता है अब बोलो क्या बोलो बोलो नहीं आता है नहीं नहीं नो अभी भी कट होता है ओके मैंने तो टीचर से तो बहुत कुछ सीखा है तो हमको टीचर ने पढ़ना सीखा है बोलना सीखा है हमको टीचर्स ने मैनर्स सिखाया डिसिप्लिन सिखाया हमको टीचर ने हिंदी इंग्लिश गुजराती संस्कृत चारों भाषा में बोलना सिखाया है जीके के टीचर ने हमको जनरल नॉलेज दी है और पीटी के टीचर ने हमको एक्सरसाइज करना सिखाया कि हम किस टाइप के अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं फिर हिंदी के टीचर मैं जब सेकंड में थी तो तब वो हर रोज मेरी टेस्ट लेते थे मतलब हर रोज एक पेज लिखाते थे और मेरी मिस्टेक को सुधारते थे कि कहीं पे मेरी मात्रा मिस्टेक ना हो जाए फिर एक इंग्लिश के टीचर थे वो फोर्थ में तो वो हर रोज पूरे क्लास में से सिर्फ मुझे बोला था मेरे कर्जू हैंड राइटिंग करने के लिए और एक बुक भी ले आए थे कर्जू राइटिंग के वो टीचर अभी मुंबई में पर अभी भी याद आते हैं फिर सब सोशल के टीचर ने हमको सिविक्स के बारे में बताया ये आपने सब बताया और सिखाया पर एक दो चीज बताओ कि आपके लाइफ में उसको परिवर्तन हुआ कि मेरी जो गिनती यानी कि मेरी जो हिंदी में मात्रा मिस्टेक होती थी वो नहीं होती है ओके दूसरा कुछ और हैंडल अच्छे हुए हैं और हाँ और मेरी जो म्यूजिक की संगीत की टीचर है उन्होंने मुझे गाना गाना सीखा कि किस टाइप से हम गाना गा सकते हैं और उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी भी है तो बोलो कि शास्त्रीय संगीत के बहुत हमको इंफॉर्मेशन मिले ऐसे और लाइफ लाइफ के लिए ये सब काम में आएगा कृष्णिया हाँ जय सच्चिदानंद हमें टीचर ने बोलो हाँ जय सच्चिदानंद टीचर्स ने हमें मैनर सिखाया है और मैंने मेरा जेएसएस के टीचर कौन सा मैनर आप वो मैनर बताए कौन सा मैनर हाँ, बोलो ना फुल कैंपस में हमको कैसे रहना चाहिए खाते वक्त हमको बैठ के खाना चाहिए और ऐसे बेसिक मैनर्स सिखाए हैं और आज मेरे एसएस के टीचर ने मुझको ब्रीफली आंसर करना सिखाया था और बोला था कि वो सिविक्स का चैप्टर मुझको सिर्फ 6 से 7 बार रीड करना चाहिए तो फिर मुझको एग्जाम में याद रह जाएगा वो जो लाइफ में अच्छा काम आएगा वो बोलने का खुशी दीदी हाँ जय सच्चिदानंद मेरी एक फिफ्थ में टीचर थी उसने मुझे ये सिखाया था कि तुम इंग्लिश में रीडिंग करना पहले मुझे नहीं आता था तो उन्होंने मुझे एक माइंड में बात एक फिट कर दी थी कि तुम पहले स्पेलिंग अच्छे से रीड करो
उसको मेरे पास एग्जाम दो और फिर रीडिंग करना थोड़ा थोड़ा सीखो। तो ऐसे मुझे रीडिंग आ गया। ओके वेरी गुड। तीर्थ अजय सच्चिदानंद, मेरे टीचर ने मुझे ऐसे सिखाया कि सबके साथ जुल मिलकर रहने का सिखाया है और गुस्सा किसी साथ करने का नहीं है। और हिंदी वाले टीचर ने हिंदी की भाषा और ये सब संस्कृत और वो सब सिखाया है। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे मेरे हिंदी के टीचर ने ये सिखाया था। मैं जब फिफ्थ क्लास में था तब मुझे अनसीन पैराग्राफ लिखना एग्जाम में होता था, तो मुझे लिखना नहीं आता था अपने आप से, तो हिंदी के टीचर ने वो मुझे सिखाया था। अव्यय हाँ जय सचिद आनंद। ओके बोलो अभी ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझे चलना सिखाया। मेरी मम्मी ने मुझे मनी काउंट करना सिखाया और मम्मी ने मुझे मैनर सिखाए और टीचर ने मुझे ये सिखाया कि कुछ भी हो डरने का नहीं, हार्ड वर्किंग करने का, पढ़ाई अच्छे से करने की, दूसरों की मदद करने की। ओके पप्पा ने क्या सब, मैंने सुना नहीं पप्पा का आया। पप्पा ने तो कल बताना। ओके करिश्मा आपको कुछ बोलने का है मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, टीचर के बारे में? हाँ ना बोलो। जय सचिदानंद, मम्मी ने मुझे चलना सिखाया, रेस्पेक्ट कैसे दीदी को देना वो सिखाया और मम्मी ने मुझे खाना खाने सिखाया। पापा ने मुझे एडिशन सब्रैक्शन सिखाया है और पापा ने मुझे रुपीस कैसे काउंट करना वो सिखाया है। टीचर ने मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए, जोर से बोलना चाहिए। और टीचर ने मुझे रीडिंग सिखाया था, मुझे लिखना सिखाया था कैसे लिखना है। जय सच्चिदानंद। ओके और बड़ी दीदी को छेड़ने का किसने सिखाया आपको? किसी ने नहीं सिखाया। तो आप कैसे सीख गए? ओके मैं शांत जी आपने सुना। अभी बातें करो मैं शांत जी। ओके एक मिनट अक्सिबा क्या बोलने क्या बोलो। मुझे एक बात कहनी थी कि जब मेरा पहला दिन था, मैं छोटी थी, 3-4 साल की थी। मैं जब पहला दिन गई थी नर्सरी में थी, तो तब का एक एक्सपीरियंस कर चुकी है। हमको मैम ने वन का पहला लेटर सिखाया ओ एन ई, तो मैं घर के चिल्ला के बोली कि पापा ओ एन ई तो ऑन हो जाता है ना, वन तो वी ओ एन होना चाहिए। बच्चे लोग का थोड़ी बातें करो। तो मम्मी पापा से हम क्या सीखे बराबर और लाइफ में क्या, और टीचर से के साथ और लाइफ में क्या क्या उन लोग को फायदा हुआ? सबने बताया टीचर से क्या फायदा हुआ, मम्मी पापा से क्या फायदा हुआ। तो आपको टीचर से अच्छा पढ़ाई का, सब लैंग्वेज का, मैनर का, विनय का, जो भी टीचर सिखाते सबको अच्छा फायदा हुआ। मगर टीचर का आप जो नेगेटिव देखा है ये सब पॉजिटिव देखा, कुछ नेगेटिव देखा? ऑल द टाइम देखते हैं कि टीचर अच्छा ना पढ़ाता है, कल मूड अच्छा नहीं है,
राइट खुशी? नहीं नहीं ओके आपने इताक्षिबा मैंने कभी कभार नेगेटिव देखा था जब जब हमारे एक इंग्लिश के न्यू टीचर थे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे तो जब इंग्लिश पढ़ना आते थे तब मन नहीं होता था कि इंग्लिश पढ़ते हैं और एसकेटी थे तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और दरअसल कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। दरअसल आप तो बहुत मस्ती करते हैं क्लास में, तो टीचर ने क्या सिखाया आपको, इसके बारे में क्या बोला टीचर के बारे में? हाँ वो टीचर ने मतलब एक बार मैं मस्ती करता हुआ पकड़ा गया था तो फिर टीचर ने मुझे मतलब डांटा नहीं समझाया, फिर बाद में मैं मस्ती नहीं करता मतलब करता था पर थोड़ी थोड़ी। अच्छी बात है, और यानी कि टीचर का जो भी नेगेटिव दिखाई देता है तो अपने को नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीचर अपना गुरु है जो हमें पढ़ाते और सब सिखाते। हाँ, तो कोई बार अपने उसकी क्या हंसी भी उड़ाते, कोई कोई बार मस्करी करते हंसी उड़ाते, एक टीचर का नाम हम जो अलग सा नाम देखे कि भाई इन ऐसा ऐसा कुछ भी ऐसा हम कर सकते थे, यानी कि मजाक मस्ती मस्करी जो उसकी जो भी नाम पाड़ के भी उसको अलग नाम से बुलाते हैं, तो ये सब हरकतें होती है तो अपने को ज्ञान नहीं मिलता है। टीचर के पास जो भी ज्ञान है पढ़ाई का विनय का, तो टीचर के लिए कभी कभी आपके मन में भी मेरे टीचर ऐसी है तैसी है, बहुत बोलती है डांटती है, यानी कि जो नेगेटिव अंदर उठता है ने तो संभालने का वो नेगेटिव। ऐसे तो दादा भगवान ने भी बताया कि कभी भी अपने जीवन में नेगेटिव अप्रोच तो रखना ही नहीं है माँ बाप के लिए के टीचर के लिए के फ्रेंड्स के लिए। पर्टिकुलर आज टीचर और माँ बाप की बात निकली तो मम्मी पप्पा से भी कोई कोई चीज मांगते हम तो थोड़ी देते है मगर लेट देते है कि कुछ बोलते कि भाई अगले साल के 6 महीने के बाद आपको एफोर्ट में करूंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे हम पापा का कभी जीत पकड़ते हम पापा से कि भाई नहीं मुझे चाहिए चाहिए सबके पास है सबके पास है। ऐसे मम्मी पापा के साथ भी जीत करते, मम्मी के पास खाने के बारे में ये खाना नहीं चाहिए मुझे ये पसंद नहीं ये सब्जी पसंद नहीं है, यानी कि बहुत मम्मी से भी बहुत जिद करते ऐसा खाना क्यों बनाया और मुझे तो ऐसा चाहिए ये मैं तो खाऊंगी नहीं। रिशा भी जाते कोई बोलते ऐसे करते हैं कोई? मैंने नहीं किया ऐसा, नहीं बचपन में भी नहीं किया। खुशी आप तो करेला नहीं खाती है तो ना क्यों बोलती है, मेथी नहीं खाती है? खुशी एक ही है आज? नहीं मैं खाती हूँ। अब खाने शुरू कर दिया? हाँ कर दिया। अच्छा कौन बोलता है मम्मी को क्या ये क्यों बनाया आज? मैं पहले ऐसे करती थी। और दरअसल आप क्यों करते हैं ऐसे? हाँ मैं वो पहले मतलब अभी भी जो करेले की सब्जी मम्मी बनाती है वो मतलब नहीं पसंद। अच्छा हाँ तो अपने मम्मी के विनय करना कैसे करेंगे कि हम जो भी बनाए वो अपने कम खाना है तो कम खाएंगे मगर उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए मुझे कोई सब्जी है रोटी है कि कोई भी कुछ आइटम बनाया पसंद नहीं है। आप बोल सकते कि ये सब्जी बनाते तो मजा आती जरा पालक पनीर की बनाते आपको पालक पनीर चाहिए तो बोल सकते हैं कभी कभी पालक पनीर बनाओ मुझे ज्यादा पसंद है ऐसे बोलने का है। अगर जो सब्जी बन गई किचन में प्रिपेयर हो गया जो भी फूड आइटम बाद में विनय रखने का यानी कि वो हाँ इन लोग को सिखाए कि जो खाने का इच्छा होता है ना तो भाव करो और 2-3 दिन में मम्मी डेफिनेटली करेंगे वो भी सिखाया उन लोग को।
अच्छा नहीं, विनय का जो बात होती है ना मम्मी पापा से क्या सीखना है, तो मम्मी पापा से सीखना यही है कि उनको दुख ना हो, इनका इंसल्ट ना हो, वो राजी रहे, हम राजी रहे तो मम्मी का बहुत अपने ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। तो मम्मी को मम्मी के साथ कैसा रहना चाहिए, मम्मी का क्या गुण लेना चाहिए, तो मम्मी तो सुबह से उठ के शाम तक आपके लिए जो भी ये अच्छा अच्छा काम करती है, सेवा करती है, तो ये माँ है अपनी, आदर है, तो पूरा जीवन छोट ये अपने के लिए वो निकालते हैं, तो इनका गुण देखने का कोई ड्रॉबैक नहीं देखने का कि ऐसी है तैसी है। तो मैं क्या कहना चाहता था कि कभी मम्मी से सीखना क्या है, तो मम्मी कभी मुंह चढ़ाती है और अपने मुंह चढ़ाते, तो मम्मी कैसे हंस से पूरा काम करती है घर में, कितनी मेहनत करती है, ने अपने तो वो सीखना है मम्मी से कि आज ऐसे ही मुझे हंसते हंसते सब काम करना है और से मुंह भी नहीं बिगाड़ने का है, पापा कितनी मेहनत करते हैं और अपने लिए सब चाहते हैं, तो हमें भी थोड़ा वो सीखना है सिंसियरिटी कि पापा मम्मी कैसे हमारे लिए बच्चे के लिए सिंसियर है, तो हम भी पढ़ाई में सिंसियर रहे, उनकी आज्ञा में सिंसियर रहे, उनके कहे ये सब सीखना है। तो खाना तो अच्छा आपका हो गया लेसन खाने का, तो मगर उसका व्यवहार अपना, इनका व्यवहार मम्मी का कैसा है, हाँ माँ का प्रेम कैसा है, दादा भगवान बोलते थे मम्मी का प्रेम बच्चे के लिए वात्सल्य मूर्ति बताया कि दादा भगवान का प्रेम अपने के लिए कैसा होता है, ऐसा मम्मी का प्रेम, तो कुछ भी हम हरकत करते आते तो मम्मी प्रेम से समझाते हैं और गाइड करते हैं, डांटने के टाइम जरा डांट भी देते हैं अपने अच्छे के लिए, तो ये सब मम्मी से सीखना है, इनके संस्कार अपना अच्छा रहे और कोई भी गलती ना करे। मम्मी पापा गलती करते हैं नहीं करते, तो अपने भी गलती नहीं करना, मम्मी पापा रिसाते हैं जीत करते हैं, तो अपने लिए मम्मी के अच्छे अच्छे गुण अपने अपनाने का, उनके संस्कार, तो मम्मी पापा से सीखना है, टीचर से सीखना है, हमारे जीवन में एक आदर्श जीवन अच्छे संस्कार पाने के लिए सब पॉजिटिव को देखने का है, मम्मी पापा का बिल्कुल नेगेटिव नहीं देखना है, उनका दोष नहीं निकालने का, उनके अच्छे गुण, और कुछ भी डांट गए मम्मी तो अच्छे के लिए डांटा है, आपको मालूम है मम्मी डांटे पापा डांटे पढ़ाई के लिए ये संस्कार के लिए, तो अच्छे के लिए डांटे वो मालूम है सबको के पसंद नहीं है, मालूम है, हाँ मालूम है, मगर कभी अपने मुंह चढ़ाते हैं ना मम्मी पापा से, हाँ रिक्शा जाते हैं ना, हाँ तो इसलिए आप रिक्शा गए कि मुंह चढ़ाया तो मम्मी नाराज हो जाएगी, मम्मी कभी रिक्शाती है कि चलो बेटा तू अपास कर ले, मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी आज, खाना नहीं बनाऊंगी, चाय नहीं पिलाऊंगी आज, तो मम्मी कभी रिसाती नहीं है, तो मम्मी के अच्छे अच्छे गुण अपने को कितनी हेल्प करती है और कैसे इनके इतनी एज में मेहनत करती है, वो अच्छे अच्छे गुण हमें अपनाने का है अपने माँ बाप का। सबको समझ पाया, तो कल के लिए अपने अपने फ्रेंड्स से कुछ अच्छा क्या सीखा वो लिखने का है, और मम्मी का गुण महेशान जी ने बोला ना मम्मी का गुण आप कौन सा अच्छा गुण आप मम्मी में देखते, ओके okay?
ओके जय सच्चिदानंद। अभी मैं शायद पद